सुंबुल तौकीर खां के म्यूज़िक वीडियो की कंट्रोवर्सी पे फहमान ने दिया ऐसा रिएक्शन। सुंबुल के फैंस ने किया फहमान को जमकर ट्रोल। तो फिर इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस सीजन 16 की एक्स कंटेस्टेंट सुंबुल और फहमान के म्यूज़िक वीडियो पे फहमान खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और ताबिश पाशा और फहमान खान की कॉन्ट्रोवर्सी जो कि सुंबुल के साथ हुई थी इसको लेकर अब फहमान खान ने पहली बार इंटरव्यू में कहा है कि वो सुंबुल के साथ कई बार इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फहमान खान जिस तरीके से ताबिश पाशा को डिफेंड करते नज़र आए हैं ये किसी भी हद से सुमान फैंस को रास नहीं आ रहा है। फहमान खान ने साफ तौर पे ताबिश पाशा का पक्ष लिया है और सुंबुल को जिस तरीके से ब्लेम किया है कि इन दोनों की झगड़े में मेरे को पीसा गया और ये कहा गया कि ताबिश के चलते फहमान खान ने सुंबुल से दोस्ती तोड़ी है, उसके बाद एक बार फिर सुंबुल के फैंस फहमान पर भड़कते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि इंटरव्यू में एक बार फिर सुंबुल के नाम से फहमान खान पब्लिसिटी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग ये इल्ज़ाम लगाने लगे कि एक बार फिर फहमान खान अपने पुराने दोस्त को डिफेंड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ फहमान खान को लेकर लोगों ने ये तक भी सवाल उठा दिया कि सुंबुल फेमस है इसलिए लोगों ने सुंबुल का सपोर्ट नहीं किया, सुंबुल सच बोलती है इसलिए लोगों ने सुंबुल का सपोर्ट किया है। फिलहाल फहमान खान के इस बयान पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या वाकई आप भी मानते हैं कि सुंबुल फेमस है इसकी वजह से लोगों ने सुंबुल का ही पक्ष सुना और ताबिश और फहमान को ट्रोल किया, या आप मानते हो जी नहीं इस कंट्रोवर्सी में ताबिश पाशा ने सुंबुल के पिता को जिस तरीके से ब्लेम किया था उसके बाद से ही लोगों ने ताबिश और फहमान पर विश्वास करना छोड़ दिया? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।